ट्रामा सेंटर में खराब और जंग लगे उपकरणों पर जुटाई नाराजगी, नोटिस के दिए निर्देश। बोली जिला अस्पताल में इको जैसी मशीनों की सुविधा शुरू करवाने के करे प्रयास। जिले के प्रभारी मंत्री पद्म सिंह तोमर ने शुक्रवार को देर शाम जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के ट्रामा सेंटर के कई उपकरण खराब मिले। कुछ उपकरणों पर उन्हें जंग लगी हुई दिखाई दी। उन्होंने ये उपकरण सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव को दिखाए और इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये लापरवाही है और हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यह व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इस लापरवाही पर मंत्री ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि ट्रामा सेंटर के इंचार्ज को नोटिस जारी कर ना सिर्फ जवाब मांगा जाए बल्कि इन उपकरणों को बेहतर किया जाए। ट्रामा सेंटर के आईसीयू में हार्ट अटैक के एक मरीज को देखकर उन्होंने डॉक्टरों से इको मशीन से संबंधित जानकारी ली। चर्चा के बाद उन्होंने अधिकारियों से डिमांड करने के लिए कहा है। जी, आप अचानक से आज यहाँ पर जिला अस्पताल में आए हैं, आप अचानक आने का क्या कारण रहा और क्या आपने पाया? मैंने पहले भी आपको मालूम है कि औचक निरीक्षण किया था। आज उस औचक निरीक्षण में उसकी समीक्षा भी की और देखा कि क्या परिवर्तन है। तो मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि पहले की तुलना में सफाई व्यवस्था आप लोग भी देख रहे हैं वो ठीक है और जो ज़रूरत है उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए गए। आज के हम सभी लोगों की साफ मनसा यही थी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी, उनके भी यही चिंता होती है कि आम मरीज को इलाज मिले, उसी भावनाओं के तहत मेरा ये निरीक्षण था। तीन आपकी पिछली विजिट हो चुकी हैं और तीन अलग अलग जगह आपने निर्देश दिए, जिला चिकित्सालय में भी दिए, हरेरा में भी दिए और पिछली विजिट के दौरान भी दिए। तो आज आपने समीक्षा बैठक में क्या पाया, क्या नहीं समीक्षा बैठक में नहीं हुआ? नहीं, जो इम्प्लीमेंट कुछ हुए हैं, जो नहीं हुए हैं उनको करने के निर्देश दिए। ओके, आज जो यहाँ पे आपने निरीक्षण किया और टीम ऐसी जगह पर जंग लगी कैसी पाई गई और आपने उपकरण निश्चित रूप से कुछ मैंने कहा चिकित्सीय उपकरण, इसीलिए तो मैं औचक निरीक्षण करता हूँ। रोगी की थाली दुरुस्त थी? हैं, रोगियों को मिलने वाला भोजन थाली दुरुस्त पाई गई? नहीं, भोजन थाली मैंने अभी चेक नहीं की, मैं आपसे झूठ कह दूँ जी। मैंने जो चिकित्सीय उपकरण चेक किया और जो चिकित्सीय उपकरण कमी थी उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं और अगली बार तय किया है कि हम लोग फिर बैठक कर रहे हैं सर। जो चिकित्सीय उपकरण की जरूरत होगी तो माननीय श्रीमती ज्योतिराय सिंधिया और माननीय विधायकगण से उन्होंने कहा है, उसके लिए हम बैठेंगे और उसके लिए भी उपलब्धता पूरी कराएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे। सर, सर, जिला अस्पताल में पिछले 2 साल से अल्ट्रासाउंड जैसी अहम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी मैंने कहा जी, ये आपको 6 महीने का समय मुझे दीजिएगा, स्वास्थ्य सेवाएं आपको शिवपुरी की बेहतर दिखेंगी, अच्छी है और बेहतर दिखेगी। समीक्षा बैठक में क्या किन बिंदुओं के 2 महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिए आज या कोई दिशा निर्देश? देखो, जैसे मैंने कहा कि हमारी जैसे जिन राशन के उपभोक्ताओं को, हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, अगर उनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए उनके परिवार के नॉमिनी बनाए, चिन्हित करें उन लोगों को, खाद्यान्न क्यों नहीं ले रहे हैं, कोई अगर उन्हें कमी है तो उसे ठीक करें, अगर किसी को विधवा को पेंशन मिल रही थी और बंद हो गई है क्यों हो गई है, उसका KYC क्यों नहीं हो रहा है, ये इसके अलावा जो मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किए गए थे चाहे करेरा में चाहे पहोरी में, उनमें क्रियान्वयन हुआ है और उन क्रियान्वयन के होने के बाद मैं उनका स्वयं भौतिक निरीक्षण भी करना चाहता हूँ। तो मुझसे कहा गया कि जिला अस्पताल में थोड़ी सफाई व्यवस्थाएँ बेहतर हुई हैं पहले से, तो ये मैं कह सकता हूँ पहले से बेहतर हुई है और आप भी कहेंगे, आप भी देख रहे हैं जी। सर, तो जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने का काम करना सर, काम ही है। 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनने हैं वो एक बड़ी समस्या है जिले में। साल के आयुष्मान बुजुर्ग हैं, उनके कार्ड बन रहे हैं? नहीं सर, बन रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये आ रही है कि किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी के फिंगर कार्ड प्रिंट नहीं मिल पा रहे हैं, वो ऐसे में उसके लिए भी ऐसे में फिर देंगे। अभी एक केस हुआ था, उसमें शादी में जहरीला खाना खाने से या कहें कि मिलावटी खाना खाने से लोगों की हालत खराब हुई, एक नहीं सैकड़ों लोग उसके भी सैंपलिंग करके उसके लिए मैंने निर्देश कलेक्टर को दे दिए। स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है सर चटनी खराब थी, जबकि लोग कह रहे हैं कि मामा के गुलाब जामुन और उन खाने से ये जो भी मैंने कहा उसकी रिजल्ट आ जान दीजिए अगली बार जी। ओके सर।
थैंक यू।